फ्रेंड्स, तो मैं यूज़ करने वाली हूँ इस तरीके से पुरानी लेसिस का। तो एक नई वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना डिले के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने लिया है राइस बैग का छोटा सा पीस। इसके मेज़रमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके ऊपर हम देखिए लेस के छोटे बड़े जितने भी पीसेज हैं उससे हम इसे पूरा फिल कर देंगे। इस छोटे से पीस को देखिए, तो ये मैंने लेस रख दी। तो आपके पास किसी भी तरह की लेस हो, चौड़ी हो, पतली हो, वो सभी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और एक एक पीसेस को इस तरीके से रखते हुए आपको राइस बैग को पूरा फिल कर लेना है। तो देखिए ये मैंने लगानी है सब पे इस तरीके से रखते हुए सिलाई। तो सिलाई लगा ली है देखिए। अब जितना भी एक्स्ट्रा है लेस का उसे नीचे वाले जो हमारा राइस बैग था उसी साइज़ के हिसाब से हम कट कर लेंगे। तो लेसिस के साथ एक प्यारा सा डिज़ाइन हमारे पास बनके रेडी हो गया। अब सेम साइज़ की हमने लेनी है लाइनिंग, और लाइनिंग को रखना है आपको नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद आपको इसे सीधा कर लेना है। तो ये मैंने इसे कर लिया सीधा और ऊपर की तरफ लगा लिया टॉप स्टिच। अब इसे रखते हैं साइड पे। कपड़े के दो पीसेस लेने हैं, मेज़रमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नीचे रखना है राइस बैग और आपको इस पर पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों पीसेस को सिलाई लगा के मैंने रेडी कर लिया है। अब इसमें से हम एक पीस लेंगे ये वाला, और इसके ऊपर जो हमने पॉकेट बनाई थी उसे हम अटैच करेंगे। तो नीचे की तरफ से हमें 1 इंच का इस पर निशान लगाना है। यहाँ पे हम अपनी पॉकेट को अटैच करेंगे जो हमने लेस वाली पॉकेट लगाई है। अब यहाँ पे रख लीजिए लेस वाली पॉकेट को और इस पर लगा लीजिए सिलाई। जहाँ पे टॉप स्टिच था वो मैंने रखा है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे हम लगा लेंगे सिलाई। तो ये हमारी पॉकेट बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसे रखते हैं साइड में और दूसरे वाला पीस लेते हैं, और इस पर हम ज़िपर पॉकेट बनाएंगे। तो मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है, उसे आपको कट करके अलग कर लेना है। और उसके बाद आपको इसमें ज़िप लगानी है। 4.5 इंच की ज़िप ली है जिसे हम साइडों से कपड़े से फिनिश करेंगे। तो 2.5 इंच 2 इंच कपड़े का पीस लिया है, साइड से हम ज़िपर को फिनिश कर लेते हैं। ज़िप को रखना है, कपड़े को ऊपर नीचे रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। फिर पलटते हुए जो हमारा साइज़ है ज़िपर का उसी साइड में इस पर सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कट कर लेना है। तो देखिए ये हमारी हो गई ज़िपर रेडी। अब हम इसे अटैच करते हैं। सीधी तरफ अंदर की तरफ सिलाई लगा लीजिए, पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लीजिए। दूसरा पीस रखना है ऊपर की तरफ, सिलाई लगा लीजिए और इसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगा लीजिए, और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है बाहर की तरफ उसे कट कर लीजिए। तो ये हमारी ज़िप बन गई। अब सेम साइज़ की एक पीस अंदर के लिए पॉकेट बनाने के लिए लेना है, और इसे रखना है इसके ऊपर और चारों तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी ज़िपर पॉकेट बन के रेडी हो चुकी है। तो ये भी रेडी हो गया एक ज़िपर पॉकेट के साथ हमारा एक पीस, और एक पीस सिंपल पॉकेट के साथ लेस के साथ। अब इसे इसके ऊपर रखना है और चारों तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद हमें इसके कॉर्नर्स कट करने हैं। तो ये हमारा ऊपर की तरफ से, यहाँ से हम इसके कॉर्नर कट करेंगे बंद वाली तरफ से। तो 1 बाय 1 इंच का, सॉरी, 1/2 बाय 1/2 इंच का आपको इस पर कट लगाना है। तो 1/2 बाय 1/2 इंच का मैंने इसको स्क्वेयर बना लिया, और इसी पर दूसरी तरफ भी हमें सेम 1/2 बाय 1/2 इंच का निशान लगा लेना है। अब इसे कट कर लीजिए और हम इसकी बेस बना लेंगे। इसे कट करने के बाद इसे इस तरीके से पकड़ना है और आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है दोनों पे। तो देखिए दोनों तरफ हमने लगा ली है सिलाई। अब हम इसे कर लेंगे सीधा। तो ये कर लिया मैंने इसे सीधा, और ये हमारी आ गई एक छोटी सी पॉकेट, एक ज़िपर पॉकेट हमारी आ गई यहाँ पे, और इस तरीके से। अब हम इसके लिए बना लेते हैं पहले बेल्ट, और अंदर के से इसे फिनिश करने के लिए भी बनाएंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए देखिए इस तरीके से कपड़ा लिया है, और उसके मेज़रमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जस्ट आपको फ़ोल्ड करना है, और फोल्ड करते हुए एक बेल्ट रेडी कर लेनी है। आप चाहे तो रेडीमेड जो गोल्डन वाली डोरी होती है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। बेल्ट बना लिए, बेल्ट को अटैच कर लेते हैं। अटैच कहाँ करनी है आपको, यहाँ साइड पर देखिए जहाँ पे हमारा साइड वाला जोड़ है वहाँ पे आपको इसे रखना है, और आपको इसे सिलाई लगा लेनी है।
तो ये हो गया। अब हम इसके अंदर के लिए बनाते हैं। तो दो पीसीस मैंने लिए हैं, मेज़रमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तीनों तरफ सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हाफ हाफ इंच का आपको इस पे भी कट लगाना है, जैसे हमने पहले किया था। इसे हम कट कर लेंगे और वैसे ही जैसे हमने पहले बेस बनाया था, इसका भी हम बेस बना लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा अंदर की तरफ लाइनिंग आएगी। इससे क्या होगा, हमारा बैग अंदर और बाहर दोनों तरफ से प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बनेगा। अब इस लाइनिंग को हमें उल्टा ही रहने देना है और इसके अंदर हमें ये जो हमारा बैग है उसे डाल देना है। देखिए, पूरा अंदर की तरफ स्ट्रैप वगैरह सब कुछ अच्छे से अंदर की तरफ डाल दीजिए। अब हम इसमें ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे, तो आपको थोड़ा सा छोड़ देना है, बिल्कुल कॉर्नर मिलाने। देखिए, जोड़ के साथ जोड़ मिला लेना है, अंदर वाला और बाहर वाला। चारों तरफ सिलाई लगाएंगे, थोड़ा सा छोड़ देंगे जहाँ से हम इसे सीधा करेंगे। तो चारों तरफ सिलाई लगा ली, थोड़ा सा मैंने देखिए इतना सा छोड़ दिया है। यहाँ से हम अपना पूरे बैग को सीधा कर लेंगे। तो अब आप इसे कर लीजिए पूरा सीधा। ये कर लिया मैंने इसे सीधा। अब जो लाइनिंग वाला पीस है पूरा अंदर की तरफ डाल दीजिए, तो अंदर से पूरा फिनिश हो गया। और जो थोड़ा सा उधड़ा जहाँ से हमने इसे सीधा किया था, इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पूरा राउंड में इस पर सिलाई लगा लीजिए। पूरे राउंड पे सिलाई लग गई। अब हम इसमें वेलक्रो लगा लेते हैं। आप चाहें तो मैग्नेटिक बटन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें वेलक्रो लगा रही हूँ ऊपर की तरफ। तो वेलक्रो के दो पीसेस, एक पीस हम यहाँ पर लगाएंगे और एक पीस हम यहाँ पर लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो वेलक्रो के दोनों पीसेज अटैच करने के बाद देखिए इस तरीके से इसका फाइनल लुक आ रहा है। तो एक ज़िपर पॉकेट हमारी यहाँ पे हो गई, छोटा मोटा सामान, पैसे वगैरह रखने के लिए, कॉइन्स वगैरह रखने के लिए। तो तीन पॉकेट के साथ बना है, बनाने में आसान है, लेस का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनता है। एक पॉकेट यहाँ आ गई और यहाँ पर आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। तो कोई भी आपका मोबाइल आ जाएगा। देखिए, तो काफ़ी अच्छे साइज़ का देखिए प्यारा सा क्यूट सा स्लिंग बैग बनके हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बहुत प्यारा डिज़ाइन बनता है। ये देखिए लेस का कितना प्यारा डिज़ाइन बना है। तो इस तरीके से अगर आपके पास भी बची कुची लेसेस हैं, कोई भी पुराना छोटा सा टुकड़ा है कपड़े का, तो आप इस प्यारे से स्लिंग बैग को घर पे ही बना सकते हैं। तो बस पूरा एक राइस बैग चाहिए कोई भी, और थोड़ी छोटी बची हुई लेसेस और कपड़े के टुकड़े, और ये देखिए कितना अच्छा बेस बना है और ये हमारा बैग बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।